सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है दिल्ली में, और हम एनडीए में 400 पार करेंगे। एक तरफ देश का मूड और देश का संकल्प है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, और उसके लिए जनता आतुर है। हर चुनाव में, हर फेज में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने भरपूर मतदान दिया। सर, अगर विपक्ष की बात करते हैं, क्योंकि आपने 400 पार बोला, तो अगर विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष अब भी कह रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों के टेन्योर में 370 हटा, राम मंदिर बना, लेकिन अब एजेंडा कोई भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं दिख रहा, ये विपक्ष का कहना है। ऐसा है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कुछ बोलने को नहीं है, और इसलिए वह हर तरीके से चुनाव को भटकाने का, बरगलाने का और मतदाता को मूल मुद्दों से हटाने का उद्देश्य रखती है, और लोग उनको मान नहीं रहे हैं जनता। सर, साथ ही साथ अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष कहता है इस बार अगर मोदी सरकार आई तो संविधान बदल देगी, चुनाव नहीं होंगे। इसको कैसे देखते हैं, किस तरीके की राजनीति से डरना चाहिए देश को? ये उनका, वो लोगों को डरा रहे हैं, उनको मालूम है कि पॉजिटिव वोट उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए नेगेटिविज्म लाओ और बीजेपी को रोकने के लिए इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके जनता को भ्रमित करो। जनता उनसे ज़्यादा अकलमंद है और जनता उनसे ज़्यादा समझदार है, और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर पर एक सांसद को मारा जाता है, पीटा जाता है, और अरविंद केजरीवाल और बाकी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, उन्हें सपोर्ट करने में लगी जाती है, जो जिन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ हिंसा की। देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और खुद नेता, ये झूठ के बुनियाद पर खड़े हैं, इनका दोहरा चरित्र है, और इन्होंने जो कुछ भी जीवन में कहा उसके खिलाफ ही काम किया। महिला सम्मान की बात करते थे, उनके घर में महिला पिट गई, 4 दिन तक जवाब नहीं दिया, किसको जवाब देंगे? देश और दिल्ली की जनता के सामने वो बेनकाब हो गए हैं। महिलाओं के प्रति उनकी क्या मन में है और क्या आदर रखते हैं, ये साफ हो चुका है, इसलिए उनसे आशा लगाना बेकार है, और महिला सम्मान उनके यहाँ ना पहले विषय था ना आगे रहने वाला। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका साफ तौर से कहना था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा इस समय इस चुनाव में नहीं बचा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ महिमा कटारिया, आईटीवी नेटवर्क।